देश भर में छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में दिल्ली के यमुना घाट के पास छठ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में भक्तगण और छठ व्रती शामिल होने पहुंचे। आपको बता दें कि इस वर्ष छठ महापर्व पर घाट की रौनक कुछ अलग ही देखने को मिली है। दरअसल दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी घाट का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम मिले। वहीं इस बीच हमारे संवाददाता शुभ सेठ ने छठ व्रतियों से भी बातचीत की। देखिए छठ महापर्व पर खास रिपोर्ट। पूर्वांचलियों का पावन त्यौहार छठ मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली के आईटीओ के घाट पे मौजूद हूँ, जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। जहाँ पे लोगों से बात करेंगे किस तरह से ये यहाँ पे छठ मना रहे हैं, क्या कुछ किया जाता है। मैम आपका नाम क्या है? उषा। आज छठ का पावन दिन है, किस तरह से छठ मनाते हैं, क्या कुछ तैयारी की जाती है, क्या कहना चाहेंगे? छठ का हमारे यहाँ बिहार झारखंड और यूपी में लगा हुआ ये त्यौहार होता है। हमारे बहुत पुराने जमाने से मनाया जा रहा है, हमारे पेरेंट्स पूर्वज सारे मनाते हैं। और ये चार दिन का त्यौहार होता है। फर्स्ट डे नहाए खाए होता है, दूसरा दिन खरना होता है, तीसरा दिन शाम का अर्घ होता है, चौथे दिन सुबह का अर्घ दे के प्रसाद सब हम लोग खाते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार हमारे यहाँ मनाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पे छठ मना रहे हैं, लोग काफी हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं? देखिए भीड़ तो बहुत हो चुकी है यहाँ पे, वही है थोड़ा सा मैनेजमेंट की कमी है। कुछ लोग यहाँ पे आपस में लड़ाई भी करने लगे, तो कुछ तो लोग देखने वाले होने चाहिए ना, प्रशासन यहाँ कोई भी नहीं है। अब दूसरा बात है कि पुरुष और महिला का एक लाइन होना चाहिए, जिसमें कि दिक्कत ना हो लोगों को। बेसिकली क्या है कि पुरुष तो दे देते हैं, लेकिन महिलाओं को दिक्कत हो, इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी ठीक है, भीड़ है तो थोड़ा बहुत तो चलता है ही है। जी किस तरह से यहाँ पे आप छठ मना रही हैं, आज क्या कुछ किया जाता है? आज यहाँ पे अर्घ दिया जाता है, ये लोग डलिया लेके आते हैं यहाँ पे और अर्घ देते हैं हम लोग। यहाँ छठी मैया का बहुत बड़ा मतलब ये क्या कहते हैं सारे धर्म होता है, आज सबकी आस्था है इसमें बहुत। आप छठ मना रही हैं, आज कितने दिन का होता है, क्या क्या किया जाता है? चार दिन का छठ पूजा होते हैं यहाँ पर, सब यहाँ पर पूजा पाठ धर्म नियम से होते हैं, नियम धर्म से होते हैं। छठ मैया के सब हम यार बहुत मानते हैं उनके, इसलिए पूजा पाठ करते हैं हम लोग। जो मनकामना करो पूरा होते हैं। चाहेंगे आज आप यहाँ छठ मनाने आए आईटीओ घाट पर? ये तो हम हमेशा आते हैं यहाँ पे, हमारा पूरा फैमिली आता है, इसी तरह से होता है। ये भीड़ भाड़ देख रहे हैं, इस तरीके से होना नहीं चाहिए। ये ओपन रहता था तो भीड़ कम होता था, ये ओपन नहीं होने की वजह से इस तरीके से हो रहा है, आप देख रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, बाकी सब बढ़िया है। छठ पूजा हम लोग एंजॉय करते हैं। सर यहाँ लोगों से बात कर रहे थे, लोगों का कहना है कि जिस तरह पे यहाँ पे लोग छठ मना रहे हैं, आपको हम ये भी बता दें कि यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े नेता भी यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ देर पहले ही यहाँ पे गौतम गंभीर भी यहाँ पे छठ पे लोगों से मिलने आए थे, साथ ही साथ यहाँ पे लोगों की श्रद्धा काफी देखने को मिली है। लोग यहाँ पे काफी मन से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज बात करें तो वर्ल्ड कप भी अब देखना ये रहेगा कि किस तरह से लोग छठ मनाते हैं। हमारा चैनल भी आपसे गुजारिश करता है कि आप भी ध्यान रखिए और आराम से आप भी अपना छठ मनाइए और वर्ल्ड कप देखना ना भूलें। एमकेएन न्यूज़ के लिए दिल्ली से शुभ।